Welcome learners to Gate Notebook YouTube channel. So today in this session we are going to discuss KVS PGT computer question paper. तो ये questions जो है वो KVS PGT computer science 2017 के questions है. तो ये जो पहला question है वो operating system का है. इस question में ये पूछा गया था कि जो classic based solution to critical section problem is what? तो इसका ऑप्शन दे रखा था पीटरसन सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रेस कंडीशन. तो मैं लिख लेती हूँ, एक है पीटरसन सॉल्यूशन जो इसका राइट आंसर है, दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ इज़ेड ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑप्शन तो बना लेते हैं फोर में इस तरीके से. यहाँ पे डब्ल्यू एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई जेड लिखेंगे. ये 0 0 0 1 1 1 1 0 है, 0 0 0 1 1 1 1 0. तो 1 1 पहले होगा, 1 0 बाद में. This is 0 1, ये 3 होगा और 2 बाद.
दोनों जीरो है तो दोनों कॉम्प्लीमेंटेड होंगे, और डब्ल्यू एक्स क्योंकि हमेशा जीरो टू वन में चेंज हो रहा है, कभी वन टू जीरो में, तो वो नहीं लेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा इस ग्रुप के लिए वही लेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो के मैप में हमेशा ये रखना है कि जीरो 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 वन में वन, वन जीरो बाद में आता है, इसलिए टू थ्री में थ्री पहले आता है, सिक्स सेवन में सेवन पहले आता है, फोर्टीन फिफ्टीन में फिफ्टीन पहले आते हैं, लाइक सो ऑन। तो ये मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिदम, विच द फॉलोइंग एल्गोरिदम सकता है एंड सॉर्टेड को ढूंढ रहे हो, रैपिंग अप इनटू वन यूनिट इज नोन एज व्हाट। तो ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी डेटा हाइडिंग, और ऑप्शन ऑल। तो इसका बी इनकैप्सुलेशन की भी क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स होते हैं और उसके मेथड्स भी होते हैं। तो डेटा मेंबर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस क्लास के, और मेथड्स उसके बिहेवियर को बताता है। तो इसलिए अगर एक यूनिट के अंडर ये दोनों इनकैप्सुलेटेड है, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को, यानी कि जब हम डेटा और उसके फंक्शंस को एक यूनिट में इनकैप्सुलेट या कवर करते हैं, तो उसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है, जिसमें कि क्लास इसका बेस्ट एग्जांपल है। या फिर आप टैबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, तो उस कैप्सूल में विटामिन्स भी है, सब कुछ है, मतलब ठीक है,
सारे बहुत सारे बीमारियों का जड़ इस कैप्सूल को खाने से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस कैप्सूल में इनकैप्सुलेटेड है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे बिहेवियर। तो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, तो इसमें क्या है, फीचर्स हम दिखाते हैं और तो एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल है कि आप ऑन किया और फैन ऑन किया तो फैन जो वायरिंग है वो छुपी हुई है, तो कैसे इंटरनल, तो एसेंशियल फीचर में फैन ऑन वायरिंग है वो छुपी हुई है, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग हम डेटा मेंबर से कनेक्टेड हो गया, या तीन टाइप के एक्सेस होते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इन ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन राउटिंग कौन से परफॉर्म की जाती है, तो राउटिंग इज परफॉर्म है। ओके ओके मैं प्रेजेंटेशन लेयर मॉडल के मिल करके ताकि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डेटा भेज सके अक्रॉस द ग्लोब। तो फिजिकल लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, मोड टेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर में कर पर वो और ट्रांसपोर्ट में हम पता होना चाहिए। फिर नेटवर्क डिवाइसेस आप यूज करते हो हर एक लेयर में, हम यूज करते हैं जो सारे लेयर, तो मैंने आपको पूरा ऐसा मॉडल ही पढ़ा दिया है। तो यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन हैं।
तो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन लेयर पे गेटवे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी गेटवे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है, और जो डेटा लिंक लेयर है वहाँ पे ब्रिज और स्विच काम करता है। टू लेयर वाला स्विच यहाँ पे काम करता है, थ्री लेयर वाला जो स्विच होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और जो आपका फिजिकल लेयर है वहाँ पे हब एंड रिपीटर काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया आपको। आई होप यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए हैं। वन सेकेंड, मैं क्वेश्चन स्क्रॉल कर रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि प्रोग्राम इज ए और एन विच टाइप ऑफ एंटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो एक्टिव, पैसिव, डोरमेंट और हाइपर एक्टिव। तो प्रोग्राम जो होता है वो पैसिव एंटिटी होता है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब वो प्रोसेस बनता है और तब उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो एक्टिव कौन होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अपना हो गया है। जो क्वेश्चन छोटे छोटे वो मैं लिख रही हूँ, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े वाले में एक बार लेकर के आ जाऊँ। क्वेश्चन 8 जो है वो DBMS का है। अब RDBMS में वो कौन सा की है, विच की यूज बिटवीन टेबल्स, टू टेबल्स और मोर टेबल्स? तो फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की और कॉम्पोजिट की? तो इसका आंसर होगा फॉरेन की, क्योंकि फॉरेन की जो होते हैं ना वो टू टेबल्स के बीच में यूज होते हैं। जैसे कि ये दो टेबल है, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, इसके पास है एक्स वाई और इसके पास है एक्स जेड। यहाँ पर ये जो है वो की है, प्राइमरी की है इस टेबल का, और ये प्राइमरी की है दूसरी है। ठीक है, तो ये एक्स जो है फॉर इस टेबल का और प्राइमरी की इस टेबल का, कहने का मतलब की होती है ना वो प्रॉपर सबसेट होती है प्राइमरी की देगा। सकते हैं या फिर उससे कम, जैसे फॉरेन की 1-2 वैल्यू लेता है तो चलेगा, बट अगर ये 1-4 लेता है तो यहाँ पे ये चीज़ वॉयलेट हो जाएगी, जिसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं, क्योंकि एक्स वही वैल्यू ले सकता है जो ये वाला एक्स ले, बिकॉज फॉरेन की इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ प्राइमरी की। ऑल्टरनेट की क्या होती है, जैसे कि आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट की आईडी और रोल नंबर दे रखा है, ये स्टूडेंट टेबल है, तो आईडी है C0, C1, C2 और रोल नंबर है 1, 2, 3। तो प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक हो। तो आईडी भी प्राइमरी की बन सकता है, रोल नंबर भी बन सकता है, पर यहाँ पर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बन सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो आईडी को लेना पड़ेगा या तो रोल नंबर। तो हमने बोला कि चलो प्राइमरी की हम रोल नंबर को बना देते हैं। तो जो प्राइमरी की बन सकता था और नहीं बन पाया वो है आईडी, तो वो ऑल्टरनेट की हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेट की। आई होप क्लियर है। कैंडिडेट की क्या होती है, जो मोर देन वन एट्रीब्यूट से बनी हो और यूनिकली फाइंड आउट कर रही हो चीज़ों को। तो फॉरेन की प्रॉपर सबसेट होता है प्राइमरी की का,
और प्राइमरी की प्रॉपर सबसेट होता है कैंडिडेट की का, और कैंडिडेट की प्रॉपर सबसेट होता है सुपर की का, कंपोजिट की जो भी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से बनती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेटा, क्वेश्चन नंबर 9। सो द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ये इसका लोअर बाउंड होता है और ये इसका अपर बाउंड होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक ट्री बनी हुई है, ठीक है। अभी आपसे पूछा कि किस टाइप की ट्री है, तो ये हीप है, ये बबल है, प्ले है, या फिर ये, तो बाइनरी का मतलब होता है वो ट्री जिसमें पे बना सकते थे, दैट्स वाई हीप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हीप तो इसका आंसर नहीं होगा, बबल भी नहीं होगा, स्प्ले भी नहीं होगा, बबल कोई ट्री होता भी नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है सर्किट पे डिजिटल लॉजिक का, ये डायग्राम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है ए माइनस बी का, और ये एक नॉट गेट बनाया, और ये ऐसा करके ऐसा करके ये है, ये बी नॉट है। तो ये क्या है, हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है या फुल सब्ट्रैक्टर है? तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सब्ट्रैक्टर में ही होता है, एडर तो यहीं से एलिमिनेट कर लो। और हाफ सब्ट्रैक्टर जो होती है वो 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करता है, और फुल सब्ट्रैक्टर 3 बिट को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बोरो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो आप देख भी सकते हैं कि ए पे बबल लगाया हुआ है। हाफ एडर में सम और कैरी निकलता है, तो हाफ एडर का सम होता है ए एक्स और बी, और कैरी होता है ए डॉट बी, और हाफ सब्ट्रैक्टर का तो डिफरेंस ए ए माइनस बी होता है, इट शुड बी ए एक्स और बी एक्चुअली, क्योंकि एक्स और गेट है। मतलब सर्किट का डायग्राम गलत दिया हुआ था, पर मैंने सही बता दिया। और बोरो होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी। फुल एडर का जो सम होता है वो होता है ए एक्स और बी एक्स और सी इन,
और इसका जो कैरी होता है वो होता है ए बी प्लस ए एक्सोर बी सी इन, और जो फुल सब्ट्रैक्टर है उसका जो सम होता है वो होता है ए, सॉरी फुल सब्ट्रैक्टर में सम नहीं डिफरेंस होता है, डिफरेंस और बोरो। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और जो बोरो है वो होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए एक्सोर बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड बी इन, और यहाँ पे बी इन होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको इक्वेशंस याद होने चाहिए, और अगर आपको फुल एडर यूजिंग हाफ एडर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए टू हाफ एडर्स लगते हैं और वन और गेट लगता है, और अगर आपको फुल सब्ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट करना हो यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर तो उसके लिए टू हाफ सब्ट्रैक्टर और वन और गेट लगता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर फुल एडर को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो नैंड से या नॉर से तो फाइव नैंड या नॉर लगते हैं, और फुल सब्ट्रैक्टर सॉरी फाइव नहीं नाइन, और नाइन नैंड और नाइन नॉर लगते हैं फुल सब्ट्रैक्टर को भी इम्प्लीमेंट करने में। हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने में फाइव नैंड या फाइव नॉर लगते हैं, और हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइव नैंड या फाइव नॉर लगते हैं। तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओके एक और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, 11 क्वेश्चन अभी के लिए काफ़ी हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, KVS PGT कंप्यूटर साइंस का हमने कोर्स लॉन्च किया था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ठीक है, कि वो कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये KVS PGT कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे हमने अच्छे से पूरा डिजिटल लॉजिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क DBMS पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये सब हमने अच्छे से कवर की हुई है, मतलब जो भी KVS PGT कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स अवेलेबल है 2000 में। अगर आप KVS PGT और HPSC PGT दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये कोर्स इनरोल करना। तो इसमें भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंपाइलर डिज़ाइन हमने कवर किया है, कोआ, डिजिटल लॉजिक कवर किया हुआ है, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एल्गोरिदम, एंड इसमें हमने कवर किया ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, देन कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT और बिग डेटा, ठीक है, न्यू SQL, फिर इसमें डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, फिर हमने इसमें DBMS पूरा कवर किया हुआ है, SQL पूरा कवर किया हुआ है, और पाइथन, पाइथन की वीडियोस हम ऐड कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कवर हो भी चुका है, और बाकी सब कुछ तो कंप्लीटेड है, बस पाइथन में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं तो वो कंप्लीट होंगी। एंड और कोई सब्जेक्ट रहता तो नहीं है मेरे ख्याल से, कंप्यूटर नेटवर्क हो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने, और जनरल एप्टीट्यूड भी मैंने इसमें कवर करवा दिया, और एक्स्ट्रा हमने 800+ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिसेंटली ऐड किए एडिशनल, और ये सारी चीज़ें, तो PDF नोट्स हैं, सिंगल रिवीजन पेजेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इसमें 300 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, हर एक कोर्स का ड्यूरेशन, हर एक वीडियो का ड्यूरेशन 1 आवर या ज़्यादा है। 24/7 डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल है, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। गेट नोटबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। और KVS PGT कंप्यूटर साइंस में हमने क्या कवर किया है, तो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, वही क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, फिर यहाँ पर डेटा DBMS कवर किया है, बिग डेटा कवर किया है, नो SQL कवर किया है, SQL कवर किया है, डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, टॉक, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियोस ऐड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, तो ये सारी चीज़ें कवर, मतलब कि जो भी KVS में है। ठीक है, तो सेशन को ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।